हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फंडा विद पू। मैं हूं पूजा और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि आप किस तरीके से अपनी लो बजट आउटफिट को भी बहुत एक्सपेंसिव दिखा सकते हैं, बट कुछ उसके लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान में रखनी है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें ऐसे करने की ज़रूरत ही क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी अपने दूसरों को दिखाने के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे खुद में भी लगता है कि अगर आप अच्छे और क्लासी तरीके से तैयार होते हैं तो आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप बहुत पॉलिश्ड लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है कि आपको पिक करना है टाइमलेस एंड रिच कलर, जैसे कि आप वाइन कलर या फिर आप ब्लैक, वाइट, नेवी ब्लू। तो ये कलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं और हर कलर के साथ एक कोऑर्डिनेट भी हो जाते हैं ईजिली और बहुत अच्छा लुक आता है। और आप ग्रे कलर भी ट्राई कर सकते हैं, ये कलर भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है और आपको बहुत ही अलग दिखाता है। तो ये सारे कलर्स आपको बहुत अच्छे लुक भी देंगे और बहुत सारे कलर के साथ कोऑर्डिनेट होकर आपको एक परफेक्ट बैलेंस्ड लुक देंगे। जो दूसरा आप मेरी टिप है वो है डिटेलिंग, यानी कि अगर आप अपनी आउटफिट में बटन लगवाती हैं या फिर आपने कोई ऐसा आउटफिट खरीदा है जिसमें बटन्स हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो बटन बहुत ज़्यादा क्लासी हों या फिर जो उसमें लेसेस हों वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो। अगर आपके कोई भी आउटफिट में पुराने बटन्स या फिर चीप क्वालिटी के लगे हैं तो आपका आउटफिट उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अगर आपके पास भी ऐसे आउटफिट हैं तो आप उनको एक्सचेंज करा सकती हैं या फिर अपने बटन को रिप्लेस कर सकती हैं। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है कि आपको इन्वेस्ट करना है गुड क्वालिटी फुटवेयर में। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लुक को पॉलिश दिखाने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी के फुटवेयर्स लें। तो अगर आप न्यूड कलर के फुटवेयर और जैसे पॉइंटेड हील्स लेना चाहती हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंटेड हील्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और सूट के साथ या इंडियन या वेस्टर्न, ये दोनों के साथ परफेक्ट लगते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक देते हैं। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है कि आपको अवॉइड करना है अनस्ट्रक्चर्ड बैग। तो अगर आपका बैग अनस्ट्रक्चर्ड है तो वो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का लगता है, भले ही आपने उसे अच्छे पैसे में ख़रीदा हो फिर भी वो बहुत चीप क्वालिटी का लगता है। तो आपको एक बढ़िया सा लेना है बैग जो भी स्ट्रक्चर्ड बैग हो, तो ये बहुत टाइम तक चलते हैं, ख़राब भी जल्दी नहीं होते हैं और आपको बहुत अच्छा लुक भी देते हैं। तो और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है कि जितना कम आप पहनेंगे उतना ज़्यादा क्लासी लगेंगे, मतलब कीप इट सिंपल, लेस इज़ ऑलवेज मोर। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेनी है, बहुत ज़्यादा तैयार हो जाना है, बहुत बोल्ड मेकअप कर लेना, ऐसा करने से आपका लुक बहुत ज़्यादा चीप लगने लगता है। तो आप जितना कम ज्वेलरी पहनेंगी, जितनी सिंपल तरीके से तैयार होंगी आप, उतना ज़्यादा क्लासी लगेंगी, उतना ज़्यादा रिच साउंड करेंगी। तो अगर आपको भी ये पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है कि आपको पिक करना है रिच फैब्रिक। आपको रेयॉन फैब्रिक कभी नहीं पिक करना है, आप या सिल्क का या फिर कोई कॉटन का, अच्छी क्वालिटी कॉटन का सूट बनवा सकती हैं या फिर अगर आप टॉप भी खरीदनी है तो आपको रेयॉन में नहीं ख़रीदना है। रेयॉन फैब्रिक बहुत ज़्यादा चीप लगता है और आपको बहुत गंदा लुक भी दे सकता है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।